अरे शक्ल पे स्माइल लाओ, मैयत में आई हो क्या? अरे मेरे लिए तो मैयत ही है। आज रंजना की सगाई के बाद ये दोनों बहन के भाई मेरे पीछे पड़ जाएंगे वापस। कैसे सब ठीक? कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छे। आइए रंजना के मंगेतर से मिलवाता हूँ। वो कमीने मजनू को समझाया? समझा रही हूँ। गुड, आ जाए। क्या हुआ? कुछ अजय महारानी पद्मावती राजकुमारी अपना जब गट चांदनी भाई भाई शेख साहब आ गए। ओके समझ। अजय अजय या शिला मने, ये बनारसी पान लगता है क्या? अगर इसको चूना क्या समझ के लगाया? हरे कृष्णा, इसको प्यार का पपलू देके जो माल लूटा है ना, वो सब निकालो, वरना जब अज्जू भाई मारने पे आता है तो जेंडर नहीं देखता है क्या? बालक, एक दिन का समय और दे दो। उस दिन के बाद आज मिल ले। हम तो आज भी नहीं मिलने वाले थे अज्जू भाई। अजय, या आप उनके बारे में किसी को बताए ना? क्यों बताएंगे, हमें अपने राज सुनो करवाने हैं। भाई साहब रसम शुरू करें। हाँ चलो भाई। ए अजय, आजा। एक मिनट। अरे मजनू कहाँ रह गया था तू? दूल्हे की बारात निकालने की तैयारी कर रहा था। अरे मजनू भाई, बारात शादी में निकलती है, ये तो मंगनी है, आपको किसी ने बताया नहीं? अब उनको बहुत कुछ नहीं बताया गया समाधि जी। समाधि जी नहीं, समधि जी। समधि, समाधि। फ्यूचर में बोलने वाला डायलॉग प्रेजेंट में बोल डाला। उदय भाई, तुम जिसको शरीफ ज्यादा अजय समझ रहे हो, असल में मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा है अज्जू भाई। और बताए शरीफ शाने की फुल लाइफ हिस्ट्री। अरे डर मत, तुम मजनू के साथ खड़ा है। ये अज्जू भाई मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा सरदार, दंगा फसाद सुन लिया? और सबसे बड़ी बात, यह इसका बेटा भी नहीं है। बोला था ना कि घुंगरी जी के घर में मक्खियां भी सर पर दुपट्टा डालकर उड़ती है, देख लिया कैसा घर और कैसी मक्खियां। मजनू भाई मेरी बात सुनी। ऊपर वाला ने कान दो और मुंह एक दिया, इसलिए बोल कम और सुन ज्यादा कमीने। मजनू जी, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। चुप, मुंह से आवाज निकाली तो बॉडी से जान निकाल दूंगा। क्या बोला था तूने? क्या? बे को छोड़कर गाली पे कॉन्सेंट्रेट कर। अपुन को गाली पर कॉन्सेंट्रेट करवाया और खुद अपने बेटे पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। अपुन की मासूम बहन की शादी इस गुंडे से करवाना चाहता है, उसकी जिंदगी और अपुन की इज्जत के हल लगवाना चाहता है। भाई गनलोड हो गई। अरे पूरी दुनिया यहाँ इकट्ठा हुए उनके सामने, कुछ मत बोलो। कंट्रोल कंट्रोल। नहीं नहीं, वो पहले जैसा नहीं रहा, शरीफ हो गया है वो। अरे आज तक हम लोग शरीफ नहीं हो पाए, ये क्या टंटा होगा? अरे कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। उदय मजनू है हम, उदय मजनू। अखा दुनिया का कांड करके बैठे हैं और तू अपुन से काला कांडी करेगा? ये उनकी बदनामी तक तो ठीक है, लेकिन अपनी इज्जत की क्यों पेंटिंग बना रहा है? मेरी बात सुन। निकल। मेरी बात निकल। मेरी बात तो निकल। मेरी बात हाँ।
बाप है ये मेरा और मैं तेरा। दोबारा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ूंगा बाद में, उखाड़ूंगा पहले। ए, ए, डेढ़ गली के मामूली गुंडे ये मत भूल, अपुन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपुन भी गुंडा था। अबे तू गुंडा था, अपुन गुंडा है, और कितना बड़ा गुंडा है इस बहन के पकोड़े ने बार-बार बताया नहीं तेरे को। जा मुंबई जाकर मालूम कर, उधर जितनी लोकल ट्रेन नहीं चलती ना उससे ज्यादा अपन पे केसेस चल रहे हैं। और एक बात बता बे, मोबाइल उसका, सिम अपन का, तू बीच में मिस कॉल देने वाला कौन? अबे भाई उसकी प्यार अपन का, तू बीच में टांग लगाने वाला कौन? अरे अपन भी उसका भाई है, मजनू भाई। अरे सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं, खुद को तो लेना मिलती नहीं और जिसको मिल रही है उसमें भी फिगरबाजी। आज तक जो अपन के मन में आया अपन ने हासिल किया, फिर तेरी ये बहन तो अपन के दिल में आई है। मंगनी होए ना होए शादी होएगी, और वो भी अपन के साथ। बात खलास। अरे देख क्या रहे हो, उठाकर बाहर फेंको शरीफ शाने को। अरे बोला था शरीफ नहीं होने को, झेलो अभी झेलो। छह हड्डियों को 2006 तरीके से तोड़ने का एक्सपीरियंस है अपन का। मुंह बोला हो या सगा, अपन के प्यार के बीच आया तो बीच से ही चीर डालेगा। शरीफ लोगों के सरों पर बहुत कबूतर बैठा है ना तूने? लेकिन अपन भाई साहब शरीफ नहीं है, अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है। तुम लोगों के सरों पर क्या बिठाऊंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या क्या बिठाएगा?